ये मरीज जो है 47 ईयर्स की औरत हमारे यहाँ पे आई थी 14 अगस्त के रात को। उनको 13 अगस्त से काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, और 14 तारीख से वो अजीब हरकत कर रही थी जिसमें वो एकदम एजिटेटेड रह रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो भी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा था। तो उसमें क्या है, 14 तारीख को जब हमारे पास आई थी तो हमने उनको एक MRI स्कैन किया जिसमें हमको उनको ब्रेन में कुछ ऐसे ट्यूमर या ब्लीडिंग नहीं दिखा। बट हम जब एग्जामिन कर रहे थे तो उनके गर्दन में काफ़ी एक स्टिफनेस था जो एक CNS इन्फेक्शन में दिखाई देता है। तो उसके हिसाब से हमने उनको एक ब्रेन इन्फेक्शन के हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू किया, और उनका कोविड एंटीजन नेगेटिव आया था तो हमने उनको कोविड सस्पेक्ट ICU में भर्ती किया। और उनका जैसा है एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, ब्रेन की सूजन कम करने की दवा, फिट नहीं आना चाहिए ऐसा दवा, और स्टीरॉयड, ये सब शुरू किया था। तो उनको जब हमने एडमिट किया तभी भी 2 दिन तक वो ऐसे सिचुएशन में थे कि हम उनका पीठ के पानी का टेस्टिंग, जिससे एक कंफर्म हो सकता है कि ब्रेन इन्फेक्शन है कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एजिटेटेड थी कि हमको वो छूने को भी कभी कभी नहीं देती थी। तो वो सिचुएशन में 2 दिन उनका हमने इलाज किया, यही दवाई कंटिन्यू की। और 17 तारीख अगस्त को जो है, जब हम उनको पता चला कि उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, तब हमने उनको कोविड ICU में शिफ्ट किया। तब उस दिन शाम से उनका एकदम जो है सिचुएशन अच्छा होने लगा, वो होश में आ गई, सब अपना काम खुद से करने लगी। बट उनको जब एडमिट करने का वो 3-4 डेज का जो पीरियड था वो कुछ याद नहीं आ रहा था, उस दिन से वो कोऑपरेटिव होने लगी और हमको CSF करने का मौका मिला। और जब हमने वो टेस्ट किया तब हमको क्लियर हुआ कि उनको वायरल मेनिंजाइटिस है। अरे सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।